अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट और अपने बेटे के लिए लंच और अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी मुझे बनाना था। तो ये सभी तैयारियाँ मैं करने लगी हूँ अभी मॉर्निंग में। और अपने बेटे के लिए मैं दूध एक कटोरी में डाल के देने लगी हूँ, दूध बनाने लगी हूँ जैसे कि उसको पसंद है। वो एक बोल में इस तरह से दूध डलवा के और उसमें टोस्ट वगैरह डिप करके और तब वो खाना पसंद करता है मेरा बेटा। तो फिर मैं उसको इसी तरह से बना के दे देती हूँ जैसा उसको पसंद है, इस तरह से वो खा भी लेता है। अभी मेरा बेटा खुद से भी रेडी होने लगा है तो मुझे इतनी सुबह में टेंशन नहीं होती है। मैं उसका लंच बॉक्स वगैरह इन सब की प्रिपरेशन में बिज़ी हो जाती हूँ और अच्छे से रेडी हो जाता है। थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर देती हूँ उसकी। मेरे बेटे को भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने सॉस आज उसके पराठे पर नहीं लगाया था और मैंने भिंडी की सब्ज़ी पैक की थी सिंपल पराठों के साथ। और उसके साथ मैंने कोकोनट भी कट करके रखा था, कोकोनट भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो भी इजीली इसको खा लेता है, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया था लंच बॉक्स में। और उसके बाद में मैं पराठे बनाने लगी थी अपने और मेरे हस्बैंड के लिए। बेटे का स्कूल का टाइम हो गया था तो वो भी जा चुका था अभी, फिर मैं अपने काम में लग गई थी। और आज मुझे व्लॉग डाले हुए 14 से 15 डेज़ हो गए हैं, 14 से 15 दिन हो चुके हैं मुझे व्लॉग डाले हुए। और इस बीच में व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी खाला जी जो कि हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ थी वो हमें छोड़कर चली गई हैं हमेशा के, तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा था, फिर टेंशन में नहीं बनाया गया था व्लॉग, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और अभी भी हम जल्दी में फिर से हम गए हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि अचानक से ये सब कुछ हुआ था। तो बहुत ही प्यारी थी हमारी खाला जी, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और बहुत याद भी आती है उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको बुखार वगैरह आया था और ऐसी सिचुएशन बन गई। आप सभी प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। बट वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, उनको भूलना नामुमकिन है। और जब कुछ ऐसी बात अचानक होती है, कोई अपना इस तरह से हमें छोड़ के चला जाता है तो सुकून नहीं मिलता है। तो वही सिचुएशन थी, मेरा व्लॉग बनाने का या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं था अभी भी। और जब से हमारी खाला जी हमें छोड़ के गई हैं तब से बहुत ज़्यादा बेचैनी है दिल में, बिल्कुल भी सुकून नहीं है और हमेशा उनकी याद आती रहती है, बिल्कुल जहन से नहीं निकलती हैं उनकी बातें, वो इतनी प्यारी थी। और 7 तारीख में ऐसा हुआ था कि एकदम से मॉर्निंग में फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हम सबको शॉक लगा था कि अचानक से, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलकर आई थी, जहाँ पर मेरा मायके है वहीं पर उनका घर भी है तो मैं उनसे मिलके आई थी, पूरा दिन उनके पास रही थी, तो इसलिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। बट अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है, अल्लाह की जैसी मर्ज़ी, बस अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। और ये उसके बाद में हम उन्हीं के घर पर थे और ये मेरी सिस्टर की बेटी थी और ये मेरा बेटा। और जो मेरे खाला जी के बेटे थे उन्होंने ये रैक बनवाई थी, ये 30 पारे उन्होंने मस्जिद में रखवाए थे तो उसकी रैक भी इन्होंने बना कर दी थी इस तरह की, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, जिसको जो पारा पढ़ना हो तो वो इजीली यहाँ से निकाल के पढ़ ले। ये देखें नंबर्स डले हुए थे इस पर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये रैक लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली थी।
ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और 15 अगस्त पे भी हम वहाँ पर गए थे दोबारा से, तो वहाँ पर ये रैली वगैरह निकल रही थी, ऑन रोड उनका घर था, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से शूट किया था। उसके बाद में 2 दिन हम रुके थे वहाँ पर, फिर हम वापस आने लगे थे। और गर्मी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था पर बारिश अभी नहीं आई थी। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, बुर्का वगैरह मुझे अपना ठीक करना था, तो मैं यहाँ पर उतरी थी थोड़ी देर के लिए नीचे बाइक से। और यहाँ पर वगैरह ये पानी में बैठी हुई थी इस तरह से गर्मी की वजह से। और फिर आगे हमने एक दूसरा रूट लिया था, सामने से रोड बहुत ज़्यादा टूट गया था, तो हम एक साइड से गांव पड़ता है वहाँ से निकल कर आ रहे थे। तो यहाँ पर चारों तरफ इतनी सारी हरियाली थी और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, जैसे कि मैंने बताया, तो सुकून नहीं मिल रहा था कहीं भी, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो अभी वैसे भी हम घर से ही वहाँ से आ रहे थे खाला जी के यहाँ से, तो दिल बहुत ज़्यादा उदास था। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर रुक गए थे, थोड़ी देर यहाँ पर रुके थे, ये हरियाली ये ग्रीनरी देख के थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। ये देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बट बारिश नहीं हो रही थी। और ऐसा दिल चाह रहा था कि इसी ग्रीनरी के बीच में रहा जाए, यहीं पर कहीं अपना एक छोटा सा घर हो ग्रीनरी के बीचों बीच, और बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ, बहुत ज़्यादा शांति, कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सुकून मिल रहा था। फिर यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके थे, 10 से 15 मिनट हम रुके थे, और इतने मेरे हस्बैंड करने लगे थे फ़ोन पे बात, किसी का फ़ोन आ गया था और हम दोनों नीचे खड़े हुए थे ऐसे ही। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही थी। और अभी भी बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, वॉइस ओवर देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट मेरे हस्बैंड फोर्स कर रहे थे कि व्लॉग्स वगैरह डालो, थोड़ा सा माइंड जो है, जहन जो है थोड़ा सा हटेगा वहाँ से, वरना बार बार वहीं पर दिमाग जाता है और फिर याद आती रहती है, और अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अफसोस की बात तो ये है। और बस इसीलिए थोड़ा सा मैंने आज व्लॉग डाल दिया है, ये थोड़ी बहुत जो मैंने रास्ते में ये हरियाली वगैरह की ये थोड़ी बहुत वीडियो ली थी, इसको ऐड करके मैंने डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा हेडेक रहने लगी है, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह रहने लगा है, वीकनेस सी, थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। और वहाँ पर भी ज़्यादातर सबको फीवर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल फीवर अभी हो रखा था वहाँ पर भी सभी को, तो सभी परेशान हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा, अल्लाह सब पे अपना रहम करे। और फिर हम इस बीच घर आ गए थे, ये देखें हवा बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही थी, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर यहाँ पर ऐसे ही बैठ गए थे, पानी वगैरह उन्होंने पिया था रास्ते में, क्योंकि रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और है। और अगर आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें, मेरी खाला जान के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।